हेलो रैंकर्स, कैसे हो? स्टार्ट करें आगे। तो भाई, इंटीग्रेशन का हमारा ये फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि भाई इंटीग्रेशन का यूज कहाँ आता है। ठीक, तो क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर हम थोड़े इंटीग्रेशन के यूज के, इन फिजिक्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कि इसने बोला है कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 80+4, 80+4, एंड हमें बोला गया है कि टाइम 2 सेकेंड पे इसकी क्या थी, हमें पोजीशन बतानी है। टाइम 2 सेकेंड पे इसकी पोजीशन बतानी है। अगर टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये था एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पे। ठीक है, तो देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे था ये, किस पे? एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पे। हम मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये एक्स इज इक्वल टू एक्स मीटर पे हो गया होगा। ठीक, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डीएक्स बाई डीटी होती है। ठीक, डिफ्रेंशिएशन में बताया था मैंने। ठीक, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 80+4 के इक्वल आ जाएगा। डीटी को उधर ले जाती है, क्या आ जाएगा? डीएक्स इज इक्वल टू 80+4 डीटी। उसके बाद सबको पता कि भी प्लस वाला हम कैसे करते हैं इंटीग्रेट, अलग अलग करके। तो इधर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले लिमिट ले लेते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां? 5 से x तक है ना, एंड ये 0 से 2 तक। मतलब 0 पे ये था 5 पे, एंड 2 पे था x पे। पता चल रहा है लिमिट से? तो ऐसे करनी होती है हमें इसके अंदर लिमिट्स पुट। ठीक, कि भाई इनिशियल क्या था? 0। इनिशियल पोजीशन थी 5। ठीक, फाइनल टाइम टी, इनिशियल फाइनल पोजीशन x। ठीक है, पुट करके अब इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो 8t का इंटीग्रेशन पावर में 1 को करना है एड, एंड उसी से करना है डिवाइड। तो 8t² / 2, तो 8t² / 2 है ना। रुको, इन प्लस में क्या? 4t, कॉन्स्टेंट का क्या बताया था मैंने? 4t। तो ये सब फॉर्मूले तो होने चाहिए याद, उसके बाद हम इसको लिख देंगे स्क्वेयर ब्रैकेट में। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां? 0 से 2 तक। एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, एंड लिमिट कहां से कहां? 0 से नहीं, 5 से x तक। बोलो। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, अपर लिमिट क्या? x, x में x पुट किया, x, एंड x में 5 पुट किया, -5 इज इक्वल टू t में 2 पुट किया, तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 जा 32, 32/2 60+, देखो 16। उसके बाद प्लस में इसमें 2 पुट करेंगे, आ जाएगा 8। ठीक, एंड माइनस इसमें 0 पुट करेंगे, 0, एंड इसमें 0 पुट करेंगे, 0। ये सब तो क्या होगी? 0 0 हट गए। तो ये आ गया x - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 24, एंड x इज इक्वल टू 29। तो मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ पहुंच गया होगा? 29 मीटर पे पहुंच गया होगा। बोलो। ठीक, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है ये। और क्या होता है इंटीग्रेशन में? देखो ध्यान से भाई, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? dv/dt। डीटी को उधर ले जाओ, ठीक है, आ गया डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। तो क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। 0 से मान लेते हैं, यू से वी तक है ना, यू से वी तक, इनिशियल यू था एंड फाइनल वी, एंड इसको कर दो 0 से t तक। ठीक, तो इनिशियली क्या था? 0 था, एंड बाद में क्या हो गया? t। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी यू से वी है ना, एंड ए बाहर आ जाएगा, ए क्या? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को अगर हम कॉन्स्टेंट लेते, ए क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। या फिर ए की कोई भी टर्म्स होगी, ए की कोई भी
टर्म होगी तो ए को हम क्या रखेंगे उसके अंदर रखेंगे भी, ए इज इक्वल टू मान लिया हमें दे दिया कोई 3t³ + 4t² तो डायरेक्ट रखेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तभी नहीं है तो ए को हमने क्या लिया कॉन्स्टेंट लिया तो ए बाहर आ जाएगा, तो डी टी का टी तो आ जाएगा ए टी, टी कहाँ से कहाँ 0 से t तक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस फिर u, तो v में v पुट किया v, v में u पुट किया u, v माइनस u इज इक्वल टू ए t माइनस 0 बोलो यानी आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू ए t एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए t। ये कैलकुलस से डेरिवेशन भी होता है किसका, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का। ये भी क्या इंटीग्रेशन ही तो किया है हमने। तो अब तुम लोग पूछो भी पता कैसे चलेगा कि ए इज इक्वल टू डी वाई डीवी बाई डी टी होता है, तो ये तो देखो याद रखने की चीज है, ये क्या है याद रखने की चीज, ये तुम लोगों को रखनी पड़ेगी याद। ठीक आगे देखो और क्या एप्लीकेशन होती है इसकी, तो इंटीग्रेशन आता है ना अब तुम लोगों को या नहीं आता, डी टी का क्या ए को बाहर लाए, डी टी का टी, डीवी का क्या वी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये चीजें थोड़ी ना बताने की है इधर, ये तो बता चुका मैं पहले वाले लेक्चर्स में, तो तुम लोगों को आना भी चाहिए, नहीं आता पहले जाके देखो। और क्या एरिया अंडर द कर्व मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन इसकी, कि कोई हमें कर्व दिया है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये तो हो नहीं सकता है ना, ये क्या ऐसे करके ऐसे, और हमसे इसका एरिया अंडर द कर्व पूछ ले, मान लिया एक्स इज इक्वल टू 2 से लेके एक्स इज इक्वल टू 4 तक, ठीक एंड ये मान लिया क्या है हमारा कोई वाई है एंड इक्वेशन दी होगी इस कर्व की कि y इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन दी है x³ + 4x + c करके कोई इक्वेशन दी है, हमसे इसका क्या पूछा है एरिया अंडर द कर्व पूछा है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे dv इज इक्वल टू dx, जो इंटीग्रेशन एंड कहाँ से कहाँ पूछा है 2 से लेके 4 तक, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें क्या देगा एरिया देगा। ऐसे एरिया निकाल सकती है, तो क्वेश्चन देखते हैं एरिया निकालने का। ठीक तो एरिया निकालने के लिए हमें क्वेश्चन देख रही है भाई कि इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू x, सिंपल क्या दिया y इज इक्वल टू x एंड हमें एरिया बताने 0 से लेके 4 तक। ठीक है देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv dy इज इक्वल टू dx इंटीग्रेट x dx आएगा ना, x भी तो है ये तो dy का क्या जाएगा वही एंड 0 से 4 तक, x के अंदर 1 को किया एड एंड उसी से कर दिया डिवाइड एंड लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4 तक, 1/2 तो कॉमन आ जाएगा क्या कॉन्स्टेंट है एंड 4 पहले इसमें पुट करेंगे तो x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 तो ये कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 यूनिट, जो भी हमें मीटर में दिया होगा किसी में दिया होगा 8 यूनिट एरिया आ गया हमारा किससे इंटीग्रेशन से। अब इसको ग्राफिकली चेक करें एक बार, अगर ग्राफिकली भी अगर हमारा सेम आते तो मतलब हम सही जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू x, कोई बता सकता है ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है 1 है एंड c क्या है 0 है, मतलब ये इक्वेशन होगी। ठीक है ठीक, x इज इक्वल टू 0 तो y भी कितना 0, x इज इक्वल टू 4 तो y भी कितना 4, ये लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक तो y भी कितना 4 4, ठीक तो ये कितना आ गया हमारा 4 एंड ये भी हमारा कितना आ गया 4, ये क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है ना क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस कितना 4, हाइट कितना 4, ये लो 8 यूनिट सेम ही तो है। अब कई लोग बोलेंगे यार हम तो ग्राफ बना के एरिया निकालेंगे, अब ये तो सिंपल सा तुम्हें पता चल गया कि इसका कर्व ऐसा होगा, कोई आड़ी तिरछी तुम्हें कोई इक्वेशन दे देगा तो उसका थोड़ी ना तुम कर्व बना के एरिया निकाल सकते हो, तो ग्राफिकली और हमारा इंटीग्रली क्या है एरिया एकदम सेम आया है। ठीक है तो इस टाइप से तुम इसकी इसको ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर भी क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो भाई। ठीक है तो और देखो एक और हम टाइप देखते हैं, ठीक है क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन इसने बोला है कैसा क्वेश्चन। हाँ
कि y इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, ठीक, एंड हमें एरिया बताना है इसका माइनस 3 से x इज इक्वल टू 3 तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमें क्या बताना है इसका एरिया बताना है, क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो dy x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन कहां से कहां, माइनस 3 से 3 तक, सिंपल यही तो इंटीग्रेशन करेंगे, y x क्यूब बाय 3, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x क्यूब बाय 3, अब मैं नहीं बोलूंगा 1 ऐड करो उसी से डिवाइड करो, ये तो तुम आना चाहिए तो तुम लोगों को, है ना, एंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 एंड माइनस 3 से 3, तो पहले यहाँ पे 3 पुट करते कितना आ गया, 1 बाय 3 को मैं बाहर ले आता हूँ, कॉन्स्टेंट है 27 माइनस, फिर माइनस 3 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस के 27, माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 27 कितना होता है 54, तो आ जाएगा 54 बाय 3, एंड इसको कट करोगे तो भी आ जाएगा 18, मतलब 18 यूनिट क्या आ गया इसका एरिया, बोलो आया समझ आया, और देखो ये क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं एरिया का ही, कि भाई y इज इक्वल टू हमें दिया है sin x, सिंपल y इज इक्वल टू हमें क्या दिया sin x, एंड हमें एरिया बताना है x इज इक्वल टू पाई से लेके 2 पाई तक, ठीक है, एरिया कहां से कहां पूछा हमसे, पाई से लेके 2 पाई तक, तो देखो इंटीग्रेट dy इज इक्वल टू sin x dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां पाई से, ये क्या जाएगा y, एंड ये क्या जाएगा साइन का माइनस कोस एक्स पाई से 2 पाई, या तो माइनस को बाहर ले आओ या फिर रहने भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई पुट करो तो माइनस कोस 2 पाई माइनस माइनस कोस पाई, ठीक है, तो माइनस कोस 2 पाई कितना होता है माइनस 1, एंड माइनस कोस पाई कितना होता है माइनस 1, यानी कि माइनस तो रहेगा माइनस तो रहेगा, और माइनस वन में माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, है ना, तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया माइनस टू, मतलब एरिया नेगेटिव आ गया, एरिया क्या आ गया हमारा नेगेटिव आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब तो इंटीग्रेशन तो हमें बोल रहा है कि एरिया भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी पढ़ा है क्या तुम लोगों ने एरिया नेगेटिव, देखो बताता हूं कैसे, कोस का ग्राफ बनाओ ऐसा आएगा, कोस का ग्राफ साइन का बनाएंगे ना, कि y इक्वल टू तो साइन एक्स है, देखो इसको रब कर देता हूँ, ठीक, हमारा एरिया है माइनस टू, साइन का ग्राफ बना, ठीक, कहाँ से कहाँ हमें बताना है पाई, क्या है ये, यानी ये 2 पाई, देखो ये एरिया क्या है नेगेटिव, इस वजह से हमारा एरिया क्या आया है माइनस टू, जो कि है नेगेटिव, मतलब एरिया हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, तो कोई भी तुमसे पूछे एरिया नेगेटिव हो सकता है तो बोलोगे हाँ भाई हो सकता है, जरूरी नहीं कि क्या हो पॉजिटिव हो, ठीक, और लो एक लास्ट एप्लीकेशन और देखते हैं इसकी और हमारा इंटीग्रेशन खत्म, ठीक, तो लास्ट एप्लीकेशन किस लिए यूज में आती है, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए, किसी भी चीज का एवरेज निकाल के, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x है अगर, तो इसका अगर हमें एवरेज निकालना है, इसका हमें अगर एवरेज निकालना, तो हम इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये इसका हम क्या निकालते हैं एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो, बोलो इतना बैठा लो तुम लोग दिमाग में, ठीक, अभी चलो एवरेज निकालना था, अभी क्वेश्चन लेके इसको कर देते हैं क्लियर, तो मान लेते वेलोसिटी दी है 2t+5, ठीक, इसकी हमें क्या निकालनी है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कहां से कहां, 0 t = 0 से t = 5 तक, तो हमें क्या निकालना भाई वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, तो मैंने बताया कि एवरेज निकालने की हम क्या करते हैं,
ये क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है, टी है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ y dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। जैसे dx में क्या था, लिमिट कहां से कहां, 0 से 5 तक, 0 से 5 तक, तो y की वैल्यू मैं यहां पुट कर दो, तो देखो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू पुट की तो कितना आ गया 2t प्लस 5, है ना, 2t प्लस कोई t है, ये प्लस है 2t प्लस 5 इनटू dt, इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से 5 तक, एंड डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt कहां से कहां, 0 से 5 तक, है ना। अब इंटीग्रेट करते हैं, अब देखो प्लस वाला है तो सबको पता है इंटीग्रेशन इसका आप कैसे करते हैं, टी में वन ऐड किया, टू बाहर आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, दोनों का अलग अलग करेंगे, टी में वन ऐड किया, टी की पावर में वन ऐड किया तो कितना का स्क्वायर, एंड उसी से कर दिया डिवाइड, प्लस में फाइव का इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाइव टी, है ना, डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी, एंड लिमिट पुट कर देंगे 0 से 5 तक, एंड 0 से 5 तक, टू ने टू को मारा तो इधर लिख देते हैं हम क्या, टी स्क्वायर प्लस 5t एंड डिवाइडेड बाय टी, लिमिट पुट कर दो कहां से कहां, 0 से 5 एंड 0 से 5, वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले अपर लिमिट, तो 5 5 जा 25 प्लस 25, ठीक, माइनस 0 पुट करेंगे 0 एंड 0 पुट करेंगे 0 तो 0 0 तो हट ही जाएगा, है ना, एंड यहां पे हम करेंगे तो 5 माइनस 0 5, ठीक, इतना आ गया 25 और 25 50 upon 5 and answer will be 10 meter per second. अगर मीटर में दिया है तो 10 meter per second, ठीक? तो ये हमारी क्या आ गई, v average, average velocity. अभी देखो एक और चीज तुम लोगों को बताता हूँ, अभी देखो हमें पता है कि v average हमारी क्या होती है, change in displacement, मतलब displacement delta x upon delta t, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी, कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आया, जितना पोजीशन में चेंज आया अपॉन में टोटल टाइम चेंज, ठीक, तो डीवी बाय मतलब वाई डीटी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वी लेता हूँ तो हमारा वी डीटी भी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, डीएक्स बाय डीटी, डीएक्स इज द वी डीटी, बोलो आया ना, dx किसके इक्वल, vdt के इक्वल, एंड डेल्टा t को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन टाइम, यानी कि 5 माइनस 0 में डायरेक्ट भी तो कर सकता था, dt में भी वही आया सेम, तो एवरेज निकालने के लिए अगर हम इसको यूज करें या फिर इसका यूज करें, बात तो क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना, हमने किया कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन में भी हमने वही किया है जो हमारे वी एवरेज का होता है फॉर्मूला, समझे, जो नहीं समझा भाई वो समझ जाएगा काइनेमेटिक्स के अंदर, क्योंकि इधर तो हमने इंटीग्रेशन करना सीखा है, जो वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो सब तो तुम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, तो भाई इंटीग्रेशन खत्म, ठीक, जिसको समझ ये वाला लेक्चर समझ नहीं आया उसको ये फिजिक्स में समझ आएगा, ठीक, लेकिन इससे पहले वाले तीनों लेक्चर तुम लोगों के क्लियर होने चाहिए, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन बेसिक मैथ में तुम लोगों को पता तो चला ना कि इंटीग्रेशन करना कैसे है, प्लस बीच में हुआ तो दोनों का अलग अलग कर दो, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन तुम लोगों को आता है, और अगर तुम लोगों को इंटीग्रेशन आता है तो तुम लोग कर सकते हो फिजिक्स, ठीक, तो हमारे बेसिक मैथ में हमारा डिफ्रेंशिएशन भी खत्म हो गया, हमारा इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया, अब अलजेब्रा करेंगे, 2-3 लेक्चर में अलजेब्रा करेंगे, उसके बाद हमारा बेसिक मैथ हो जाएगा खत्म, उसके बाद तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।